Canadian government has introduced a new work program for telecommuters. The new work program is called Canada Digital Nomad Visa 2023. Assalamu alaikum dosto, kaise mizaj hain? Mera naam Amir Hashmi hai aur aaj balki main mazrat ke aapki jitni vlogs maine Canada ke immigrations ke hawale se kiye us pe maine apna naam nahi bataya. To aaj ek Karachi se ek meherban ki call aa gayi. और उन्होंने कहा यार अपना आपने नाम नहीं बताया तो वाकई मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मुझे अपना नाम एंट्रो में बता देना चाहिए था बहरहाल मेरा नाम आमिर हाशमी और जिस तरह आज के थम में आपने देखा जिसके लिए आप ये आज व्लॉग देख रहे हैं कैनेडा जस्ट लास्ट अ न्यू डिजिटल नो मैट प्रल्स वट यू नीड टू नो वर्ट यू नीड टू नो अगर आप कैनेडा जाने का वहां पर इख्तियार करने का आपने खाप अपनी आंखों में अगर आपने सजाया हुआ है और आपका ताल्लुक नुमैट के उस कम्यूनिटी से आपका अगर ताल्लुक है तो यकीनन ये आज का विरो आपके लिए है कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक नया इमिग्रेशन प्रोग्राम को मुतारफ करवाया है उसका ऐलान किया है तो डिजिटल नुमैट के लिए है इस डिजिटल नुमायट के इमीग्रेशन प्रोग्राम के तहत आप कैनेडा में छह माह के लिए बतौर विस्टर जा सकते हैं जी हाँ आपके लिए बहुत आसान है अब वहां जाना अगर आप डिजिटल नुमैड है इस नए प्रोग्राम के तहत जिसका आगाज अब जल्द होने वाला है साठ से ज्यादा ममालिक नुमैड के लिए बाजू खोल दिए हैं और आपको वेलकम कर रहे हैं और अगर नोमैड का वीजा आपको मिल जाता है तो अगले तीन साल के लिए आप कैनेडा में तीन साल की आप एक्सटेंशन अपनी रेजिडेंट की ले सकते हैं ये वर्क परमिट जो नेक्स्ट मिलना है वो आपको तीन साल के लिए कम से कम मिल जाएगा अगर आप किसी कंपनी के साथ कैनेडियन कंपनी के साथ या किसी एम्प्लायर के साथ आप वहां काम कर रहे हैं कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर फ्रेजर ने अपनी स्पीच में कहा कुछ दिन पहले कि जो लोग कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए नाकाबले यकीन हद तक मौका है कि वह कनाडा में टेम्परेरी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करें और हमें उन्हें कनाडा में मौजूद पाकर खुशी होगी कनाडा में अब इसकी वजूहत तो देखें देखे ना आखिर वो क्यों आप पर मेहरबान होगी कनाडा गवर्नमेंट और नोमैड के हवाले से खसूसी तौर पर ही दूसरे ममालिक क्यों आप वो क्यों इतना ज्यादा पैनिक हो गए हैं कि आ वो आ उनके लिए उन्होंने बाजू अपने खुले कर दिए उनको वेलकम कर रहे हैं और इसी तरह अरब अमारात में भी बहुत ज्यादा इसकी आ इनके लिए पॉलिसीज़ अलहदा से एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं कैनेडा में खसूस तौर पर वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये जो पॉलिसी का ऐलान किया है उसके पास पर्दा वजह क्या थी कनाडा की एक बहुत बड़ी जॉब सप्लाई करने वाली मतलब रिक्रूटिंग आप समझ लें कि एक कंपनी है रेंटस्टैंड रेंटस्टैंड कैनेडा उसने इंकशाफ किया है अपने एक जर्नल में एक आर्टिकल में कि कनाडा की आबादी का जीरो पॉइंट सेवन परसेंटेज आबादी जो स्किल्ड लोगों पर है टेक्निकल लोगों पर मुश्तमिल है वो इनखला कर रही है और अमेरिका वो अमेरिका की तरफ उनका रुख है सान फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में वो वहां उनको जॉब्स मिल रही हैं जहां वो एक लाख चालीस हजार अमेरिकन डॉलर उनको सराना सैलरीज है उनकी पैकेज है उनको और अगर वो कनाडा में रहते हैं तो उनको महज चौहत्तर हजार सेवेंटी फोर थाउजेंड कैनेडियन डॉलर मिलते हैं इसलिए नुमैट प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है अब आप में से बहुत से दोस्त मेरे ये पूछेंगे ये नुमैट क्या डिजिटल बला का नाम है अच्छा आप लोगों में चले जाए कोई भी डिक्शनरी उठाएं स्पेशल आप गूगल में चले जाएं आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी उठाएं तो उस लुगत में नुमैट का मतलब पता क्या है हाला बदोश जी हाँ वो जो टिक की जगह पे नहीं रहते चलते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते रहते हैं हमारे शुमाली इलाका जात में देखा है ना आपने वो बकरवाल जो होते हैं बकरों के रेवड़ लेकर चल रहे होते हैं वो सल सल एक सफर है जो चल रहा है वो एक जगह पे नहीं रहते एक जगह पे टिक के नहीं रह सकते तो डिजिटल नोमैड भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है डिजिटल नोमैड पाकिस्तान में आपने देखा है ना बल्कि दुनिया भर में आप देखें उनका क्या आसासा होता है जिनका ताल्लुक आई टी की फील्ड से है वो उनके पास एक लैपटॉप होता है कोई बहुत बड़ी हैवी मशीनरीज नहीं होती जिसको उठाकर वो कहीं शिफ्ट करे वो क्या करते हैं कहीं शिफ्ट होना है लैपटॉप उठाया बगल में डाला कहीं जाकर ट्रांस चले गए और वहां जाकर उन्हें बसेरा कर लिया कुछ दिनों के लिए फिर वहां से अगर देर उतार गया फिर किसी और जगह पे भी चले गए यह नोमैट है ये टिक के नहीं रह सकते इन्होंने बेहतर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज के लिए बेहतर मौाक की तलाश के लिए इन्होंने मुसल सफर करना होता है ये खाना बदोश इसलिए इसे कहते हैं ये डिजिटल खाना बदोश है अगर इसके टेक्नोलॉजी की तरफ आप जाए तो ये भी बताना मुझे मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि आपको इल्म में होना चाहिए पहला डिजिटल नोमैट मतलब कौन सा था इसका नाम था स्टीवन के रॉबर्ट्स ये 1983 से 1991 तक कंप्यूटराइज रेकेंड साइकिल्स पर यह सवार होता था इसने दस हजार माइल्स का सफर तय किया यह रात को जहां स्टे करता था खैमा लगाता था और वहां एक कंप्यूटिंग मैगजीन था उसके लिए वो मजमून या उसके लिए आर्टिकल्स लिख के भेज दिया करता था तो उसे दुनिया का पहला डिजिटल नुमाड करार दिया गया है इसलिए उसे कहा कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला खाना बदोश हाईटेक है इसके फायदे या इसके नुमाड के क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इस पर तो हम लदा बात करेंगे और ना ही ये हमारा मौजू है आज का हमारा तो मौजूद है कनाडा में नुमायड के हवाले से कौन से वीजे अवेलेबल है आपके लिए उस पर हमने आज गुफर कर लिया पुर्तगाल ने और स्पेन ने डिजिटल नुमा के लिए आ, अपनी पॉलिसीज तब्दील की है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ तब्दील की हैं वो भी इनवाइट कर रहे हैं अच्छा नुमा डिजिटल की जो असलाह सामने आई है ना इसके हवाले से आ, तुर्ती, तुर्ती, तुर्ती में पहली बार जब ये सुनने को आया तो तीस से बत्तीस ममालिक थे वो उस एक्टिव थी और वो उनको डिजिटल नुमाट्स को इनवाइट कर रही थी अब ये साठ के करीब पहुंच चुका है सिक्सटी प्लस है इस वक्त जिसपे अब कैनेडा भी शामिल हो चुका है और इसके लिए आप कि आप अगर आपका तालब आई से है अब मैं बताऊंगा कि आप अप्लाई कैसे करेंगे और आप, आप के लिए कौन कौन सी राहें हैं जिस पे आप, आप जिस फील्ड में आपके लिए वहां मौाक मौजूद हैं अगर आप डिजिटल नोमैड हैं तो आप कनाडा में आर्जी वर्क परमिट आ, के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिस मुल्क में आप रहते हैं और आपकी आमदनी का सबूत भी होना चाहिए आप आर के जिस मैदान से आपका ताल्लुक है आप रोबोट से आपका ताल्लुक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका ताल्लुक है यानी मसूसी जहानत से क्वालिटिंग कंप्यूटिंग से आपका ताल्लुक है बायोटेक्नोलॉजी से ताल्लुक है इंटरनेट इंटरनेट ऑफ द थिंग्स जिससे आईओटी कहते हैं थ्री प्रिंटिंग है उसमें और ये जो खुद मुख्तार गाड़ियों का कंसेप्ट आया उससे आपका कोई शुद्ध बुद्ध है और उसकी आपकी टेक्निकल नो है और आपका कोई ताल्लुक है तो इनसे आपके लिए ताल्लुक है तो फिर आप समझ लीजिए ये दुनिया भर में रोजगार की मुहैया करने की एक नई वेव है नई लहर का आगाज हो आ चुकी है अभी तीन दिन पहले आपने देखा है ना वो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने और जनरल आसमी शाह जो कमांडर इन चीफ है एक प्रोग्राम उन्होंने किया जहां आई के नौजवानों आई से वापस नौजवानों को बुलाया उनको फैसिलिटेट उनके लिए सहूलियात मुहैया करने की बातें की गई उनको ये कहा गया कि अब आपके साथ ये ये हम पैकेज देंगे ताकि ये फ्लाई ना कर जाए या यहां से निकल ना जाए क्योंकि ये सबसे बड़े कमाऊ पूत इस वक्त ये है और एक अंदाजे के मुताबिक अब मैं मुत, इसी मौजू के साथ रहूंगा पाकिस्तान में तीस अरब डॉलर का असेसमेंट उन्होंने अंदाजा लगाया है कि ये डिजिटल जोमैट्स जो हैं ये 2025 तक जो 30 अरब डॉलर जनरेट कर सकते हैं या रेवेन्यू लेके आ सकते हैं जरमाबाद लेके आ सकते हैं तो बहुत बड़ी रकम है 30 अरब डॉलर का अगर असेसमेंट है कि सन दो तक हम इस पर काबिल हो जाएंगे कि हमारा जो आईटी से वापसता लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिन्होंने की हुई है और इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिनका ताल्लुक है वो तकरीबन तीन से चार अरब डॉलर और जर मुबाजा लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में तो ये टारगेट इनका है कि तीस अरब डॉलर तक लेकर जाए लेकिन अगर सोचिए ये कमाऊ बच्चे है कमाऊ बेटा किसको नहीं है पसंद यह बना बनाया बच्चे है ना तो दुनिया का हर मुल्क इनके लिए इनकी चाहता है कि यह हमारे पास आए क्यों इसके नतीजे में जब वो रेवेन्यू लाएंगे तो टैक्स भी लाएंगे जब टैक्स हुकूमत को वो देंगे उनको एक लेवि एक अच्छी लाइफ वहां मिलेगी उनके लिए सहूलियात भी होंगी तो वो फिर यकीनी हुकूमत की कोशिश होगी और अगर कोई रियासत समझदार है हुकूमत समझदार है अकल से खाली नहीं है पैदल नहीं है तो वो उनको साथ अपने साथ जोड़ के रखेगी उनके लिए सहूलियात मुहैया करेगी तो बहरहाल इसके साथ आपको क्योंकि एक आप पाकिस्तान में अगर आप है आप लोमैड है आप टेक्ट उस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक है तो आप कनाडा में अमेरिका में या किसी मुल्क में आप कनाडा की बात कर रहे हैं कनाडा में किसी एम्प्लॉयर के साथ आप काम कर रहे हैं या किसी एम्प्लॉयर के साथ या किसी कंपनी के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोजेक्ट की आपको इनकम भी आ रही है और आप वो इनकम आपके बैंक में ट्रांसफर हो रही है तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो बड़ी पावरफुल है उस लिहाज से तो आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप सबूत के तौर पर पेश करेंगे साथ लाएंगे और कैनेडा में जाने के लिए जिस तरह प्रोसेस है जिस तरह पहले भी लॉग्स ने बताया वही प्रोसेस है यहां बायोमेट्रिक भी करना पड़ेगा और अगर पहली बार आप जा रहे हैं तो पचासी डॉलर आपको बायोमेट्रिक का हो होगा और सौ डॉलर आपकी फीस है और अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है या बायोमेट्रिक हो चुकी है तो फिर उसकी जरूरत नहीं होगी और जिसके मुताल मैंने पहले भी अपने दो तीन व्लॉग्स में इसी बात का जिक्र किया मैं तकरार का आदि नहीं हूं उनको ही देख लीजिएगा अच्छा जैसे आपको मैंने बताया है कि ये न्यू इमिग्रेशन जो है प्रोग्राम है जो कैनेडियन इस पेज पर इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे ये लिंक ये जो लिंक है ना ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ होगा आप इसको क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा कैनेडा टेक टैलेंट स्ट्रेटेजी जिस पर बैकग्राउंड पर तमहीद होती है कैनेडा टेक टैलेंट स्ट्रेटेजी इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड द सिटीजनशिप कैनेडा अब यहां आपने लिखा हुआ है बैकग्राउंड गवर्नमेंट ऑफ द कैनेडा इज एम्ब्रेसिंग कैनेडा इमर्जिंग रोल एज अ लीडर इन द ग्लोबल टेक टैलेंट रिक्रूटमेंट एंड द अट्रैक्शन टू इंश्योर कैनेडा इज नॉट ओनली फिलिंग इन डिमांड जॉब टूडे बट आल्सो अट्रैक्टिंग द स्किल्स एंड द बिजनेस टैलेंट टू क्रिएट अब ऑफ टू मारो यानी इसका मतलब यह है कि कैनेडा की हकूमत आलमी टैक जो टैलेंट है उसकी रिक्रूटमेंट में बतौर रहनम लीडिंग सूर्तया अख्तियार कर रही है बतौर रहन अपना किरदार अदा कर रही है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके क्यूनेडा आज न सिर्फ मुलाजुम की ख्वाहिशमंद खुए, टैलेंट की डिमांड को पूरी कर रहा है बल्कि हुनरमंद लोगों को अपनी जानब रागब कर रहा है डेवेलपिंग न्यू इनोवेशन स्ट्रीम अंडर टू इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम टू अट्रैक्ट हाईली टैलेंटेड इंडिविजुअल्स यानी कि इंतहा बालाहियत अफराद को रागब करने के लिए इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत एक जिद्दत का सिलसिला जारी कर दिया है क्योंकि हमारा आज का व्लॉग डिजिटल नोमैट के हवाले से है अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं आते हैं जी अब आ जाए नंबर टू पर उस पर लिखा हुआ है प्रमोटिंग कनाडा एज अ डेस्टिनेशन ऑफ फॉर द डिजिटल नोमैट्स देखे ना ये सामने आ, आपके पास सामने लिखा हुआ आ रहा है वो लिखता है कि अ डिजिटल नोमैट अ पर्सन हु कैन परफॉर्म दर जॉब रिमोटली फ्रॉम एनी इन द वर्ल्ड आप पाकिस्तान में हैं किसी जगह पर हैं अगर आप वहां मौजूद हैं और काम का आप कर रहे हैं वहां किसी कंपनी के लिए किसी एम्प्लॉयर के लिए किसी कंपनी के लिए तो उसको आप नुमैड ही कहेंगे उसकी तारीफ की डिजिटल नुम ओनली रीड स्टेटस टू रीलोकेट टू टू कैनेडा फॉर अप टू सिक्स मंथ वाइल दे परफॉर्म देअर जॉब रिमोटली फॉर अ फॉरन एम्प्लॉयर अब आपने इसको भी समझ लिया होगा इसका मतलब है तो लिखा है कैनेडियन इमिग्रेशन कवानीन के तहत डिजिटल नुमाइट को छ माह के लिए कनाडा मुंतकिल होने के लिए बतौर विस्टर की हैसियत से आ, कि उनकी जरूरत है कि एज वो जब वहां आएगा तो एज अ विस्टर की हैसियत से आएगा और जब वो गैर मुल्की अंपायर के लिए छ माह में वो किसी के साथ अटैच होता है तो वो फिर आ, इसके लिए एक्सटेंशन भी ले सकता है और साथ उसने कहा

कनाडा की हुकूमत सब डिजिटल इनिशियली एंटर कनाडा टू वर्क रिमोटली विल डिसाइड टू सीक अपॉर्चुनिटीज विदेडीज एम्प्लॉयज वेन दे रिसीव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ केनेडीज कंपनी दे वुड बी ऑल्सो ब्रिंग देर स्किल्स टू द केनेडिय बाई एम्प्लाइंग फॉर अ टेम्पररी वर्क परमिट और इवन परमानेंट रेजिडेंट्स समझ गए आप के कनेडा की हुकूमत तो करती है कि लिस्ट नुमा जो इब्तदाई तौर पर कैनेडा में वो आते हैं दूर से काम करने के लिए आते हैं तो वो कैनेडा की एम्प्लॉयर के साथ मिलकर उनको मिलने वाली जो उनको जो जॉब ऑफर होगी वो कबूल करके आर्जी वर्क परमिट लेंगे और बाद में उनको फिर लंबे अरसे के लिए तीन साल के लिए और भी परमिट मिल जाएगी अपनी सलाहित एम्प्लायर्स के और कैनेडा के एंपायर के, के लिए वक्फ करेंगे आते हैं कि लोटस सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फॉर द 2023 ट्वेंटी 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 इमिग्रेशन प्लान अब देखें उन्होंने प्लान बड़ा वाजे करके बताया है और उन्होंने यह कहा है जनाब टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव इमिग्रेशन लेवल प्लान के तहत गवर्नमेंट ने 2023 से 2025 में एक लाख पैंसठ हजार और 2024 को चार लाख पचासी हजार और 2025 को पांच लाख अफराद को पीआर के लिए परमानेंट रेजिडेंस के लिए वेलकम करेगी अब देखिए के आपके लिए बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इसी के लिए उनको स्किल्ड आदमी चाहिए टेक्निकल लोग चाहिए जिस तरह डिजिटल नुमाइट्स के हवाले से बात की मैंने पिछली व्लॉग्स में ये भी कहा था उनको डॉक्टर्स चाहिए उनको नर्सिस चाहिए उनको इसी तरह इंजीनियर्स चाहिए के हेल्थ केयर में तो सबसे ज़्यादा जॉब्स वहाँ मौजूद हैं और जो लाखों में हैं इस वक्त तो एक लाख सत्तर हज़ार के करीब तो वहां जॉब्स हेल्थ केयर के हवाले से है मुख्त प्रोविंस में तो इवन फिज्योथ्रापिस्ट चाहिए वहाँ डी पी डी है यहाँ बेचारों को तो बुरा हाल है जो जो फिज्योथ्रापिस्ट है इनका तो बुरा हाल है इनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही डॉक्टर्स को भी जॉब नहीं मिल रही उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन चूंकि आज का वेलाप डिजिटल नोमैट के वाले से था तो अगर आप आई टी की फील्ड से ताल्लुक है आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं इवन यूट्यूबर्स के लिए भी चांस बनता है मेरे भाई वेबसाइट्स जो तो डेवलप करते हैं उनके लिए भी चांस है आप सारे लोग डिजिटल नोमैट्स आप वहां जरूर अपनी किस्मत आजमाई करें और अब आपसे इजाजत और इस ब्लॉग में अपनी आरा से भी नवाजिएगा जिस तरह मैंने नंबर अपना पहले भी दिया था अब दोबारा दोहरा देता हूं मेरा व्हाट्सएप नंबर है जीरो थ्री जीरो फोर फाइव वन डबल सेवन डबल वन फाइव अब मैं दोबारा दोहराता हूं जीरो थ्री जीरो फोर फाइव वन डबल सेवन डबल वन फाइव लेकिन मैं आपको कहूंगा कि मैं कंसल्टेंट नहीं हूं मैं को वीजू का कारोबार नहीं करता मैं इंफॉर्मेशन देता हूं आपको क्यों मैं ये समझता हूं इंफॉर्मेशन देना सद क्या जा रहा है बेहतर इंफॉर्मेशन देना आपको सद क्या जा रहा है मेरा इसमें कोई मॉनिटरी फ़ायदा नहीं है और क्योंकि मैंने अपने बच्चों और फैमिली के हवाले से किसी कंसल्टेंट के बगैर उनके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन की थी वीज़े अप्लाई किए थे और अलहमदुल्लह सक्सेसफुल अटैम्प्ट हुई तो वो चले गए कोई कनाडा चला गया कोई ऑस्ट्रेलिया तो मैं फिर समझता हूँ कि ये मेरे कौम के बच्चों का नौजवानों के लिए भी उनका हक हाँ है कि कम अज़ कम जो मेरे पास इल है वो आपको मैं दे सकूँ अच्छा और अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कोई बात हो पूछने वाली तो आप मुझे से पहले मैसेज कर दिया करें और मैं कभी तरह बिजी भी होता हूँ मेरा ताल्लुक शबा सहाफ़त से है और वहाँ मैं काफ़ी इंगेज होता हूँ मैं जब फिरऊँगा आपको कॉल कर दिया करूँगा ऑन अदरवाइज आप कर लिया कर कर लिया करें तो इनशालाठे ही हैं एक बेहतर और विलॉक्स मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके साथ मुनसिक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा